पता नहीं, हमें तो गेट नंबर 6 आना था बस। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, इंदौर से स्पेशल आए थे हम, और हमारी भर्ती नहीं दी जा रही, आतंकवादी थोड़ी ना जैसे हमें भर के बिठाया जा रहा है, और हमारी 2 साल की छूट दी जाए और हमें भारतीय सेना में भर्ती किया जाए। आज हम जंतर मंतर पर आए थे, इन आतंकवादियों की तरह धक्का दे के हमें बस में बिठाया गया। हम आतंकवादी थोड़ी ना हक मांग रहे, हम भीख थोड़ी ना मांग रहे। इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जवान के सामने एक बनने वाला जवान है, यहाँ बेकसूर हमें बसों में भर दिया गया है, और ये लड़ाई बहुत अनाथाई की जा रही है, जबरदस्ती बसों में बैठाया जा रहा है। आखिर कब तक होगी सेना में भर्ती? दरअसल सेना भर्ती में हो रही देरी के चलते अब युवाओं का हल्ला बोल देखने को मिला है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। देश के कई राज्यों से आए युवाओं का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कोरोना के बाद से सेना में भर्ती रैली पर रोक लगी है। कुछ रैलीज हुई भी, लेकिन उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुए, नतीजा ये हुआ कि भर्तियां नहीं हुई। युवाओं की मांग है कि सेना भर्ती परीक्षा और रैली फिर शुरू की जाए। बहुत से युवा इन 2 सालों में ओवर एज हो गए हैं, यानी कि आपका नियम यह कहता है कि इस उम्र से ज्यादा का आदमी को नहीं होना चाहिए। 2 साल में जब भर्ती नहीं हुई तो बहुत सारे युवा जो हैं वो उस उम्र से के दायरे से बाहर निकल गए। युवाओं ने भर्ती में 2 साल की छूट देने की भी मांग की है। अब सरकार ने क्या कहा है आपको वो बता दें। सेना में भर्ती प्रक्रिया बंद नहीं हुई है, सिर्फ रुकी है। संसद में सरकार का ये जवाब है, उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते 2020 और 2021 में सेना में भर्ती प्रक्रिया स्थगित हुई, भर्ती प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, कोरोना का प्रकोप कम हुआ है लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। भर्ती रैलियों में बड़ी संख्या में उम्मीदवार जुटते हैं और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भर्ती रैलियां स्थगित की गई हैं। 28 मार्च को राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने एक सवाल पूछा और उस सवाल के जवाब में सरकार ने क्या बताया कि सेना में गैर अधिकारी वर्ग के 1 लाख से अधिक पद खाली हैं, नौसेना में 11,000 से अधिक पद खाली हैं, सेना में अफसरों के भी 8,000 से अधिक पद खाली हैं। भर्ती के लिए होने वाली रैलियों का नंबर बता रहे हैं कि सेना में भर्ती धीरे धीरे कम होती जा रही है। 2017-18 में 106, 18-19 में 92, 19-20 में 95, 20-21 में 47 और 2021 और 22 में 4। इसको लेकर के राजनीति भी तेज हो रही है। राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट आया, बयान आया कि नौजवान देश के लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार सेना में भर्तियां करने के लिए तैयार नहीं है, न रोजगार